Hello students, hope you all are well at your home and studying well. And I'm here again with the new topic, the phrase and the clause. तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सेंटेंसेस पढ़ाए थे एंड होप यू ऑल आर गेटिंग टू नो द सेंटेंसेस. एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंसेस, बट हम सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा ही आज पढ़ेंगे. ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो फ्रेज और क्लोज पर रहेगा, ठीक है. तो आज मैं आपको इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ बताऊँगी कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोजेस और सेंटेंसेस क्या होते हैं. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, मैंने यहाँ कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ लिखी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आ रहा है, फ्रेज, ठीक है. व्हाट इज़ अ फ्रेज? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नाउ कम टू क्लोज, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो दिस इज सिमिलैरिटी. नाउ लुक एट द सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो ऑल द थ्री आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लोज भी और सेंटेंसेस भी. अब अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो डेफिनेटली वो फ्रेज भी हो सकता है, क्लोज भी और सेंटेंस भी. एक वर्ड कभी भी इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. जो फ्रेज है उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, इनका कॉम्बिनेशन आपको फ्रेज में कभी भी नहीं मिलेगा. नेक्स्ट अगर हम देखें क्लोजेस, सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, हमारे पास जो क्लोज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है. नेक्स्ट है सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्लियर. तो इन तीनों के बारे में ये सब पता लग गया आपको, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब एक डिसिमिलैरिटी आ गई, ठीक है. डिसिमिलैरिटी क्या है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि क्लोज में भी है और सेंटेंस में भी है, क्लियर. अब इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट, डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस. जो फ्रेज है वो सेंस देगा बट कम्प्लीट सेंस नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल, इन द इवनिंग. इन द इवनिंग क्या, शाम में क्या. इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या. या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे इन अ ब्यूटिफुल मैनर, ठीक है. तो वहाँ पर वो मीनिंग तो दे रहा है बट कम्प्लीट सेंस नहीं है. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड फ्रेज. अब नेक्स्ट आप आ जाओ क्लोज पे, कैन मेक कम्प्लीट सेंस, कैन नॉट मेक कम्प्लीट सेंस. जो क्लोज है कम्प्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. मैं आपको अभी डीपली एक्सप्लेन करूँगी कि वो कैसे. जो सेंटेंस है, डेफिनेटली सेंटेंस मेक्स कम्प्लीट सेंस, ठीक है. जो सेंटेंस है वो कम्प्लीट सेंस देगा ही देगा, क्लियर. फ्रेज कम्प्लीट सेंस नहीं देता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए अभी. क्लोज कम्प्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वेंट होम व्हेन द बेल रैंग, ठीक है. द स्टूडेंट्स वेंट होम व्हेन द बेल रैंग. क्लोजेज जो होते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है. तो अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम. सबसे पहले द स्टूडेंट्स वेंट होम, क्लियर, व्हेन द बेल रैंग. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड विच वन इज़ डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लोज भी बोलते हैं और डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं. तो जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें इसकी मीनिंग देखनी है. द स्टूडेंट्स वेंट होम, बच्चे घर गए. व्हेन द बेल रैंग, अब हमने इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है. द स्टूडेंट्स वेंट होम मीनिंगफुल है, ठीक है. तो जहाँ पर हमें कंप्लीट मीनिंग निकलता है दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है. ये एक सेंटेंस भी हो सकता है और इसको क्लोज भी बोल सकते हो आप. अब व्हेन द बेल रैंग, जब बेल रैंग हुई तो क्या हुआ, नॉट क्लियर. तो जो क्लोज अपने मीनिंग के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड करती है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, ओके. जो भी क्लोज अपने मीनिंग के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड करेगी दैट इज डिपेंडेंट. और जो क्लोज अपने आप में मीनिंगफुल है, जैसे कि द स्टूडेंट्स वेंट होम, बच्चे घर गए, तो ये क्लियर है, इसमें आपको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है.
जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लोज के मीनिंग में कुछ और ऐड करती है, जैसे ये भी मीनिंगफुल है बट हमने जब बोला व्हेन द बेल रिंग, जब बेल हुई तो बच्चे अपने घर गए, तो ये कुछ ऐड कर रही है इसमें. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ डिपेंडेंट. अब जैसे कि मैंने आपको ये दो पॉइंट्स बताए थे कि कैन मेक कम्प्लीट सेंस, कैन नॉट मेक कम्प्लीट सेंस, ठीक है. अब कम्प्लीट सेंस ही कैसे बना रही है, जैसे जो इंडिपेंडेंट होगी वो कम्प्लीट सेंस देगी, ठीक है. जो इंडिपेंडेंट होती है वो कम्प्लीट सेंस देती है, द स्टूडेंट्स वेंट होम, ये सेंटेंस भी हो सकती है. और जो डिपेंडेंट होती है वो कम्प्लीट सेंस नहीं देगी, ठीक है. तो जो डिपेंडेंट होगी वो कम्प्लीट सेंस नहीं देगी, इसलिए ये कैन नॉट मेक कम्प्लीट सेंस के अंडर आएगी. क्लियर. जो हमारी क्लोज होती है कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट दैट इज़ मीनिंगफुल इन इट्सेल्फ, डिपेंडेंट जो मीनिंगफुल नहीं है बिना दूसरी क्लोज के. क्लियर. अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी, तो ये आपका डिफरेंस है. फ्रेज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जस्ट फॉर रिकैप. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस, ठीक है. उसके बाद है क्लोज. क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है इसमें, कैन मेक सेंस और कैन नॉट मेक सेंस. उसके बाद है सेंटेंस. सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, कम्प्लीट सेंस बनाता है, ठीक है. ये क्लियर हो गया आप सबको, समझ में आ गया. अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उसको उसमें आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी. तब तक आप ये अपना वीडियो देखिए, अच्छे से इसको समझिए एंड टेक केयर. बाय बाय.